नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, प्रस्तुत है समाचार। सगमा से राजू रंजन की रिपोर्ट। रामनवमी व चुनार आचार संहिता अनुपालन को लेकर धुरकी थाना परिसर में धुरकी प्रमुख विनोद कोरवा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सगमा व धुरकी प्रखंड के सभी मुखिया एवं राजनीतिक दलों के लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान उपस्थित सभी सदस्यों ने एक स्वर में शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने के प्रति संकल्प व्यक्त किया। बैठक को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि आप सभी रामनवमी का त्यौहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। पुलिस प्रशासन आपके साथ है, मगर सौहार्द को बिगाड़ने वाले शरारती किस्म के लोगों से आपको सावधान रहना है। धुरकी थाना क्षेत्र में कहीं भी आपको शांति भंग होने की आशंका हो, थाना को सूचित करें, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए डीजे बजाने पर चुनाव आयोग ने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया, कहीं भी डीजे का प्रयोग नहीं होना चाहिए। रामनवमी जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकले, इसमें सभी पंचायत प्रतिनिधि सहयोग करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। बैठक में मुख्य रूप से धुरकी जिला परिषद सदस्य जानकी सिंह, सगमा जिला परिषद सदस्य नंदगोपाल यादव, सगमा प्रमुख प्रतिनिधि अजय साहा, मुखिया नारायण दास यादव, विनोद राम, दर्शत बैठा, इसहाक अंसारी, रमाकांत मिश्र, राम प्रवेश मिश्र, उप प्रमुख रामा शंकर जायसवाल, मुखिया सदाकत अंसारी, मुखिया विनोद राम सत्यनारायण बैठा, मोर्चा नेता लक्ष्मण राम, अखिलेश यादव, योगेंद्र यादव, राजीव गुप्ता, एएसआई पंकज तिवारी, मनोज सिंह, प्रमोद प्रसाद, आलोक कुमार, एसआई देना जिस किसको सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। शांति समिति के बैठक के अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब और थाना प्रभारी महोदय साहब, और तमाम हर गांव के मुखिया महोदय धन्यवाद।